जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी जय जय जय। गुणायतन प्रणीता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। एक जिज्ञासु सेठ किसी पहुंचे हुए संत के चरणों में पहुंचा और उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव जीवन में धन पैसे की उपयोगिता समझ में आती है, शरीर के स्वास्थ्य की महत्ता भी समझ में आती है, यश ख्याति प्रभाव और प्रतिष्ठा का प्रभाव भी दिखता है, दौलत का असर दिखता है, सेहत का असर दिखता है और शोहरत का असर समझ में आता है, लेकिन धर्म का कोई प्रत्यक्ष लाभ परिलक्षित नहीं होता। फिर भी क्या वजह है कि आप सब लोग सबसे ज्यादा धर्म की दुहाई देते हैं जो दिखाई भी नहीं पड़ता? सेठ की के सवाल को सुनकर संत मुस्कुराए और पास में खड़ी हवेली की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, इस हवेली को देख रहे हो? बोले हाँ देख रहा हूं। संपूर्ण हवेली को देख रहे हो? बोले हाँ मैं पूरी हवेली देख रहा हूं। पूछा तुम्हें हवेली जितनी दिखाई पड़ रही हवेली उतनी है? बोले हवेली जितनी हो मुझे दिखाई पड़ रही। संत ने मुस्कुरा कर पूछा, ये बताओ इसकी नींव कहाँ, इसकी नींव किधर है? बोले नींव वो तो दिखाई नहीं पड़ रही। उन्होंने कहा बताओ नींव हटा दे तो क्या हवेली दिखाई पड़ेगी? बोले नहीं पड़ेगी। तो संत ने रहस्य का उद्भेदन करते हुए कहा, जो भूमिका इस हवेली को टिकाने में नींव की है वही भूमिका जीवन को टिकाने में धर्म की। जैसे हवेली दिखाई पड़ती है उसकी नींव दिखाई नहीं पड़ती, हवेली के एक एक कक्ष की उपयोगिता दिखती है नींव नहीं दिखती, लेकिन नींव के अभाव में कुछ नहीं दिखता। इसी तरह धन दौलत सेहत शोहरत का प्रभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन इन सब के मूल में धर्म है जो नींव है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। आप सब लोग धार्मिक हो कि नहीं, है ना? धर्म करते भी हो, करते हो कि नहीं, क्यों करते हो? आज चार सवाल आप सबसे करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, धर्म क्यों? दूसरी बात, धर्म क्या? तीसरी बात, धर्म कब? और चौथी बात, धर्म कैसे? है ना? आपसे ये सवाल मैं कर रहा हूं, उत्तर आपको देना है, विश्लेषण मैं करूँगा। धर्म क्यों, बोलो आप लोग धर्म क्यों कर रहे? हाँ, किसके लिए? आत्मा के कल्याण के लिए। ईमानदारी से पूछना, बहुत सोचना कि आत्मा की तरफ दृष्टि रहती है? हमारे सामने कह रहे हो आत्मा के कल्याण के लिए, हमारे सामने कह दोगे मोक्ष पाने के लिए, लेकिन असल में जिस अभिप्राय से धर्म करते हो पहले उसे सामने लाओ। मेरे देखे चार दृष्टियों से लोग धर्म करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा लोग परंपरागत संस्कार से प्रेरित करने वाले धर्मी हैं। माँ बाप ने हमें संस्कार दिए, हमें परंपरा से संस्कार प्राप्त हुए कि हमें धर्म करना चाहिए, इसलिए हम धर्म कर रहे हैं, है ना? पहली श्रेणी है।
दूसरी श्रेणी, धर्म करने से दुख दारिद्र मिट जाता है, आपत्ति विपत्ति टल जाती, इसलिए धर्म करते हैं। तीसरी श्रेणी है, धर्म करने से पाप कटेंगे, स्वर्ग मिलेगा, सदगति मिलेगी, इसलिए धर्म करते हैं। और चौथी स्थिति है, धर्म करने से जीवन संवरेगा, इसलिए धर्म करते हैं। अब आप अपने अंदर उतर कर देखिए, मेरी दृष्टि क्या है, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, कौन सी दृष्टि है? क्यों दीपक? हाँ, चौथी है, फिर तो बहुत पक्के, एक कह रहा महाराज चारों। मनिया लोग सब हिसाब लगा लेते, चारों। उत्तम दृष्टि चौथी है, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है जहां तुम्हें परंपरा से धर्म के संस्कार मिले। लेकिन धर्म के संस्कार तो मिल गए, जब तक उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक उस संस्कार का कोई लाभ नहीं। माँ बाप ने कहा धर्म करो, सो हम धर्म करते आ रहे, तो धर्म करके कुछ पुण्य अर्जित कर लेंगे, लेकिन उससे जीवन में जो बदलाव घटित होना चाहिए वह नहीं होगा। बहुत तेरे लोग सुबह से शाम तक धर्म की क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, खूब बढ़ चढ़ करके धर्म की क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं, भागीदार बनते हैं, लेकिन उनके जीवन व्यवहार में झांक कर देखो तो बड़ा गड़बड़ होता है, उनका व्यक्तित्व बड़ा उथला दिखाई पड़ता है। ऐसे धर्म से क्या मतलब, बोलो, उस धर्म से क्या मतलब? तो धर्म का प्रयोजन, धर्म करने से विपत्ति टलती है, मुश्किलें टलती है, इस विश्वास से बहुत लोग धर्म करते हैं। और ये शिक्षा हम लोगों को बचपन में दी गई, ये परीक्षा है तो बेटा पहले मंदिर जाओ, रिजल्ट खुलना है तो पहले भगवान के पास जाओ, रिजल्ट अच्छा आएगा, ये लालच तो बचपन से दिया जाता है। ऐसे लोग जब तक अनुकूलताएँ रहती है धर्म करते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी विपत्ति सिर पर आ जाती है उनकी धर्म श्रद्धा ही समाप्त हो जाती है। धर्म करने से विपत्ति टलती है, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। जबकि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो धर्मियों पर सबसे ज्यादा विपत्ति आती है। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? पारसनाथ भगवान धर्मी थे अधर्मी? उन पर कितनी विपत्ति आई, 10 भाव का रिकॉर्ड देखो, कोई अधर्म नहीं किया 10 भावों में, उनने किया क्या? फिर विपत्ति आई क्यों? तो यह धारणा कितनी सही है कि धर्म करने से विपत्ति टलती है, सही है कि गलत? हाँ, सही है, धर्म करने से विपत्ति टलती है, सही है। तो पारसनाथ भगवान पर विपत्ति क्यों आई? सुनो, सार बोलता हूं, धर्म हमारी विपत्तियों को टालता नहीं, धर्म हमें विपत्तियों में संभालता है। क्या बोला? धर्म हमारी विपत्तियों को टालता नहीं, धर्म हमें विपत्तियों में संभालता है, एक ताकत देता है, एक शक्ति देता है, एक सामर्थ्य देता है, एक क्षमता देता है। बड़ी सी बड़ी विपत्ति को सहने की शक्ति एक धर्मी में होती है। अधर्मी के ऊपर विपत्ति आती है वो टूट जाता है, और धर्मी पर विपत्ति आती है वो निखर उठता है। पारसनाथ भगवान के जीवन चरित्र को जब हम सामने रखते हैं, हर भाव में विपत्ति आई लेकिन हर भाव में उनने संपत्ति पाई, उनकी विपत्ति भी संपत्ति में परिवर्तित हो गई। असली संपत्ति आत्मा का उत्कर्ष है, और इसीलिए उनने सब विपत्ति को सहर्ष स्वीकार किया। इसलिए अपनी श्रद्धा को बदलो। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति की
छोटी उम्र में मृत्यु हो गई। उनकी धर्मपत्नी तत्वज्ञानी, पति के वियोग को उन्होंने बहुत अच्छे से सह लिया, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ। पर उसका 12 साल का बेटा इस घटना के बाद धर्म विमुख हो गया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी, मेरे पति चले गए, उस दुख को तो मैंने सह लिया होनी और नीति को समझकर, लेकिन महाराज मुझे थोड़ी सी तकलीफ इस बात की होती है कि इसकी वजह से मेरा बेटा धर्म विमुख हो गया। एक ही बेटा है महाराज, अगर बेटा धर्म से विमुख हो जाएगा तो मेरा भविष्य, परिवार का भविष्य क्या होगा? आप किसी तरीके से बेटे को रास्ते पे लाइए। बेटा बचपन से जुड़ा था, मैंने बेटे को बुलवाया, वो आया। आने के बाद मैंने उस जब बातचीत की तो उसने छूटते ही कहा, मेरे पापा इतना धर्म करते थे फिर भी चले गए, धर्म ने हमको क्या दिया? हमने कहा, भैया बिल्कुल तुम्हारा सवाल सही है कि धर्म ने क्या दिया, पर तुम्हें एक बात ध्यान में रखना चाहिए, सुख दुख जीवन मरण ये धर्म के हाथ नहीं है, ये तो सब विधि के हाथ में है। संयोग वियोग को कोई टाल नहीं सकता। तुम कहते हो धर्म ने क्या दिया, संयोग तो उसी शहर में एक और घटना घटी थी, एक 60 वर्ष की महिला छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी 6 महीने पहले। हम बोले, तेरे पापा को गए कितने दिन हुए? बोले 2.5 महीने। बोले, तुझे पता है कि एक महिला 6 महीने पहले सुसाइड की थी? बोले की थी। बोले कितनी एज थी? बोले 60 साल की। बोले उनके पति की क्या हाल है? बोले वो डिप्रेशन में। 6 महीने पहले 60 साल की पत्नी को खोने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में, और तेरी पापा की मृत्यु हुई कितने? बोले 2.5 महीने। तेरी मम्मी की क्या स्थिति है? पापा की कितनी उम्र थी? बोले 45 साल। तेरी मम्मी की क्या स्थिति है? बोले मम्मी ने तो अपने आप को संभाल लिया। बोले तेरी मम्मी ने अपने आप को कैसे संभाला? बोले धर्म से। बोले महाराज धर्म से। हमने कहा बस यही तेरा उत्तर है। धर्म क्या देता है? धर्म स्थिरता देता है, धर्म समता देता है, धर्म शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। इसलिए धर्म इसलिए मत करो कि मेरे जीवन में विपत्तियां नहीं आए, धर्म इसलिए करो कि बड़ी सी बड़ी विपत्तियों को सहने की सामर्थ्य आ जाए। धर्म का असली प्रयोजन यही है, उससे उस बच्चे को एक अच्छी प्रेरणा मिली, आज वो पूरी तरह जुड़ा और अपने माँ के आदर्शों के अनुरूप जीवन को आगे बढ़ा। तो ये दृष्टिकोण हमें बचपन से मिलना चाहिए। धर्म करेंगे थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, धर्म करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। कितना पुण्य मिला दिखा आज तक पुण्य? बोलो, स्वर्ग और नरक तो मरने के बाद होगा, और व्यक्ति धर्मी हो या अधर्मी, मरने के बाद नाम के आगे स्वर्गीय तो लिख ही जाना है। स्वर्गीय तो बनना ही है, तुम धर्मी बन के जियो चाहे अधर्मी बन के। अब मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा नरक मिलेगा, इसको किसने देखा? और मैंने कितना पुण्य कमाया, पाप मिटाया, ये किसने जाना? बोलो, है कोई तुम्हारे पास ऐसा पैमाना जिसके आधार पर तुम नाप सको कि मैंने अपने जीवन में इतना पुण्य कमाया, इतना पाप मिटाया? है तो फिर पुण्य कमाने के लिए मैं धर्म कर रहा हूं। जिसका अतई पता नहीं उसके लिए धर्म करने का मतलब क्या? बोलो, हाँ है ना? तो मैं आपको सलाह देता हूं, पुण्य कमाने के लिए धर्म नहीं करना।
पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करना, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। किसके लिए धर्म करना? पुण्य बनाने के लिए। जीवन को पुण्य बनाने का मतलब है जीवन को पवित्र बनाना। पुण्य का मतलब ही है पवित्रता। यदि हमारे आचार विचार और व्यवहार में पवित्रता आती है तो जीवन ही पुण्य बन गया। और जिसका जीवन ही पुण्य बन गया, अब उसके लिए पुण्य कमाना तो बहुत साधारण बात हो गई। उद्देश्य बदलो। पुण्य कमाने के लिए धर्म करने वाला केवल धर्म की क्रिया पर बल देगा, और जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करने का उद्देश्य रखोगे तो तुम अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म को प्रतिबिंबित करोगे। मैंने पुण्य कमाया, घंटे भर अभिषेक किया, पूजन किया, महाराज को आहार दे लिया, सत्संग कर लिया, प्रवचन सुन लिया, बहुत पुण्य कमा लिया, थोड़ा दान दे दिया, बहुत पुण्य कमा लिया, कोई व्रत उपवास कर लिया, बहुत पुण्य कमा लिया, है ना? हो सकता है ये सब करने में कोई आत्ममुग्धता भी हो, हमें भ्रम हो कि मैंने पुण्य कमाया, लेकिन हमारे अंदर के परिणाम हमें पाप में भी लपेट सकते हैं। यदि अंतरंग में अभिमान हो, अंतरंग में आसक्ति हो, अंतरंग में अगर और प्रकार की मलिनता हो, तो क्रिया भले पुण्य की हो, अर्जित तो पाप होगा। इसलिए आज से दृष्टिकोण बदल लीजिए। क्या बनाना है? पुण्य कमाने के लिए नहीं, पुण्य बनाने के लिए। अगर ये दृष्टिकोण अंतरंग में आ गया तो तुम्हारा जीवन हर पल परिमार्जित होगा, परिष्कृत होगा, फिर ज़्यादा कुछ कहने और सोचने की कोई बात ही नहीं रहेगी। धर्म करेंगे पाप कट जाएगा। पाप काटने के लिए धर्म मत करना। पाप काटने के लिए धर्म नहीं करना। अभी तक तुमने जीवन भर धर्म किया, कितना पाप कटा भगवान जानते। लेकिन मैं कहता हूँ पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। किसके लिए धर्म करो? समझ रहे? पाप को त्यागना है, पाप से बचना है, पाप क्रियाओं से अपने आप को मुक्त करना है। यदि मैं धर्मी हूं तो मुझे पाप से डर होना चाहिए और पापात्मक प्रवृत्तियों से दूरी बनाने की भावना होनी चाहिए। पाप काटने के लिए जितना उत्साह रखता है रखते हो, पाप त्यागने का वैसा मनोभाव होता है? प्रेरणा मिलती है तो भी हिम्मत नहीं होती। अरे कैसे छोड़े, सड़ी सी चीज नहीं छोड़ पाते। यह आसक्ति की पराकाष्ठा है। सच्चा धर्मी पाप को पाप समझता है और उसे अपनी आत्मा के पतन का कारण मानकर उससे बचने के लिए छटपटाता है। कब मुझसे पाप छूटे, भाव जगाओ। जीवन में तभी और तभी बदलाव आएगा। तो धर्म के ये तीन उद्देश्य को छोड़कर यदि चौथा उद्देश्य होगा जीवन को संवारना, अर्थात अपने आचार विचार और व्यवहार को परिष्कृत करना, सोच को बदलना, चिंतन धारा को बदलना, प्रवृत्तियों को बदल डालना, जीवन में सकारात्मक बदलाव घटित करना, ये धर्म का मूलभूत उद्देश्य है। ये होना चाहिए तो हमारे संस्कार भी सार्थक होंगे, तभी हम पुण्य कमा पाएंगे और तभी हम सदगति के पात्र बन पाएंगे और तभी अपने आप को विपत्तियों में संभाल पाएंगे। चलूँ आगे? अब दूसरी बात क्या है? धर्म क्या क्या है? धर्म आपसे पूछो, भैया थोड़ा धर्म करो तो आप क्या करोगे? बोलो, आपकी नजर में धर्म क्या है? आप लोगों से पूछना चाहता हूं। बोलो, पूजा पाठ भक्ति
दान पुण्य व्रत उपवास यही धर्म है ना, अच्छा काम धर्म है। बहुत बढ़िया, जो जैसा उसको वैसा स्वीकार लेना। व्याख्याएं तो एक से एक है, हम भी वैसा ही स्वीकार ले रहे हैं। जब भी धर्म की बात आती है हमारा ध्यान क्रियाओं पर जाता है, प्रवृत्तियों पर जाता है। निश्चित धर्मी क्रियाएं करता है पर क्रिया का नाम धर्म नहीं, हो तो धर्म का बाहरी रूप है। धर्म असल धर्म है क्या? मोह खो विहीनो परिणामो अपनो हुसमो। मन मोह और क्षोभ से शून्य परिणति का नाम धर्म है। अंतरंग को विकार और कलुषता से रहित रखना धर्म है। अगर मैं बाहर धर्म की क्रियाएं कर रहा हूं और मेरे अंतरंग में मोह और क्षोभ पल रहा है तो बोलो धर्म है या धर्म का भ्रम? मूल को भूल जाओ और बाहर उलझ के रह जाओ तो ये सब एक प्रकार की आत्ममुग्धता है। चाहे कोई गृहस्थ हो या साधु, धर्म के मूल स्वरूप को पहचानना चाहिए। और जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं उनके उद्देश्य को भी समझना चाहिए। पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं निरर्थक नहीं है, पर निरर्थक बना देती है हमारी दृष्टि। अगर उनके प्रति सही दृष्टिकोण हो तो इससे अच्छा आलंबन ही नहीं। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? अपने आप को अशुभ से बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने मन के विकारों के समन के लिए कर रहे हैं, अपने अंतरंग की मलिनता को दूर करने के लिए कर रहे हैं, तब तो ये सार्थक है। पर इन्हीं क्रियाओं को हमने धर्म मान लिया और जिसके लिए इन्हें करना उसे भुला दिया तो धर्म का कोई मतलब नहीं। और आजकल ऐसे धर्मी ज्यादा हैं, इस कारण लोगों का धर्म से आकर्षण भी घट रहा है। मैं समय शिखर में था, एक परिवार आया दिल्ली का, उनके साथ एक युवक था, बाहर से पढ़कर आए थे। परिवार के लोगों ने कहा महाराज इसको कहिए ये थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ और जैसे ही मुखातिब हुआ उसने कहा महाराज यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। मैं एक पल को चौंका, हमने कहा भैया एलर्जी क्यों है? उसके संकोच के भापते हुए मैंने उसके मम्मी पापा को बाहर किया। उसे पूछा भैया मामला क्या है? बोले महाराज मेरे मम्मी पापा रोज सवेरे 5 बजे घर से मंदिर जाते हैं। 5 बजे सुबह घर से मंदिर जाते हैं, 10 बजे लौटते हैं और महाराज क्या बताऊं, लड़ते हुए जाते हैं झगड़ते हुए आते हैं। महाराज 5 बजे से 10 बजे तक धर्म करने वाले में इतनी लड़ाई तो धर्म करने में कैसी भलाई? मैंने कहा भैया ये बात तो वाकई में दुखदाई है लेकिन इसमें कमी धर्म की नहीं तेरे मम्मी पापा की होगी। मैंने पूछा ये बताओ तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो कि नहीं? बोले चाहता हूँ। तुम बैड हैबिट्स से बचना चाहते हो कि नहीं? बोले बचना चाहता हूँ। बोले यही तो धर्म।
बोले यही धर्म है, अपने निगेटिव इमोशंस पर नियंत्रण करना, अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल करना, यही धर्म है। उसने कहा महाराज धर्म में ऐसा कुछ है तो मुझे इंटरेस्ट है, मैं आपके पास बैठना चाहूँगा। बोले हमको तो यही कहा जाता माला फेरो, हमको कहा जाता मंदिर जाओ, हमको कहा जाता अभिषेक करो, हमको कहा जाता पूजा करो, हमको कहा जाता मुनियों को आहार दो। हमने कहा बिल्कुल, जो बातें कही जाती है वो गलत नहीं, लेकिन उसके प्रति जो समझ है वह गलत है। ये सब क्रियाएं करो किसके लिए? अपने आप को संभालने के लिए। तो जीवन को संवारने के लिए यदि धर्म करते हैं तो धर्म सार्थक होता है, अन्यथा धर्म का कोई लाभ नहीं है। वो दृष्टिकोण अपने भीतर विकसित कीजिए। अब तीसरी बात, 8 मिनट बचे हैं, बात पूरी करनी है। कब करे धर्म? कब करे? हाँ, बहुत बढ़िया, प्रत्येक क्षण, प्रति क्षण। प्रायः धर्म के संदर्भ में खासकर युवाओं की मानसिकता थोड़ी उल्टी है। हर युवा ये सोचता है धर्म तो बूढ़ों की चीज है, बुढ़ापे में धर्म करेंगे, उम्र ढलने के बाद धर्म करेंगे। आप देखना धार्मिक आयोजनों में, धार्मिक समारोहों में युवा कम मिलेंगे, प्रायः प्रौढ़ और बुजुर्ग ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि एक धारणा बन गई कि धर्म एक क्रिया है और ये क्रिया उम्र ढलने के बाद करने की है। युवाओं से बोलो तो वो कहता अभी हमारी उम्र कहाँ, और बूढ़ों से पूछो तो कहेगा अब हमारी उम्र कहाँ, है ना? पहले बोलता था अभी हमारी उम्र कहाँ, और बुढ़ापे में बोलेगा अब हमारी उम्र कहाँ, तो गड़बड़ है ने? नहीं, धर्म हर उम्र में करने की चीज है, भी ले सकेंगे। और कोई दूसरा रास्ता ही हमारे पास नहीं है। एक बार एक युवक आया, साथ के लोगों ने कहा महाराज इससे बोलिए थोड़े धर्म के प्रति रुचि ले। मैं उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज बुढ़ापे में देखूंगा। जैसे मैं उसकी तरफ देखा उसने कहा बुढ़ापे में देखूंगा। हमने कहा बुढ़ापा देखेगा ये पक्का है? तो बोल तो रहा है बुढ़ापे में देखूंगा, बुढ़ापा देख पाएगा ये पक्का है क्या? फिर क्या देखेगा? जीवन की नश्वरता को समझो, पल भर का ठिकाना नहीं। इसलिए इस अवस्था में हम जितना बेहतर कर सके करने के लिए तत्पर रहे। एक बार समझ आ जाए तो उसे हृदय में इस तरह उद्धारित कर लो कि सपने में भी अधर्म न हो पाए, तब जीवन का उत्कर्ष होगा। अंतरंग में उत्साह बढ़े तो हमारे धर्म की रुचि भी अपने आप बढ़ेगी, और धर्म रुचि बढ़ेगी तो धार्मिक क्रियाओं में सहभागिता भी आपो आप बढ़ेगी। वो रुचि प्रगाढ़ता के साथ बढ़ाने का सुयत्न करना चाहिए, उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। आखिरी बात, धर्म कैसे करे? कैसे करे? उत्साह के साथ, रुचि के साथ। धर्म का कोई भी काम हो, धार्मिक क्रियाओं में प्रगाढ़ रुचि होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। उथले मन से कुछ मत करो,
अंतरंग से जुड़कर करो, तो जो धर्म का प्रभाव घटेगा वो असाधारण होगा। और ऊपरी मन से कोई काम करेंगे, आधे अधूरे मन से काम करेंगे, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत लोग धर्म करते हैं लेकिन बस ऊपर करते हैं। आप लोग कहते हैं आचार्य महाराज भी दोहराते हैं प्रायः, ऊँसाई करते हैं। कैसे करते हैं? ऊँसाई है ना, तो ऊँसाई का फल तो ऊँसाई है, उसका कोई परिणाम सामने नहीं होगा। पूरी जिंदगी धर्म के साथ बिता दोगे लेकिन धर्म का जो प्रभाव दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाएगा। शिष्य गुरु चरणों में गया और गुरु से कहा, गुरुदेव वर्षों हो गया आपके चरणों में साधनारत रहते, लेकिन अभी तक मुझ पर धर्म का असर क्यों नहीं पड़ा? इतने सालों से साधना कर रहा हूँ और इतने सालों से साधना करने के बाद भी अभी तक मुझ पर धर्म का असर क्यों नहीं पड़ा? गुरु ने कहा, बेटा ठीक है, तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, तो एक काम कर, एक लोटा मदिरा ला। मदिरा इन शराब। शिष्य श्रद्धालु था, सीधा अनुकरण किया, लोटा भर के शराब ले आया। गुरु ने कहा, देख इस पूरे लोटे को कुल्ला करके खाली करना है, इस लोटे को कुल्ला करके खाली करना है, पर ध्यान रखना तुझे केवल कुल्ला करना है, एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। शिष्य ने तत्क्षण वैसा किया, कुल्ला कर करके लोटा खाली कर दिया। कुल्ला करके लोटा खाली कर दिया और जैसे ही लोटा खाली किया, गुरु ने पूछा, ये बता तुझ पर नशा चढ़ा क्या? शराब का असर पड़ा क्या? तुझ पर नशा चढ़ा क्या? शराब का असर पड़ा क्या? उसने कहा, गुरुदेव असर कैसे पड़ता? असर तो तब पड़ता जब मैं हलक से नीचे उतारता, मैंने तो केवल कुल्ला किया है। असर कैसे पड़ता? असर तो तब पड़ता जब मैं हलक से नीचे उतारता, मैंने तो केवल कुल्ला किया है। तो गुरु ने समझाया, बेटा तुझ पर भी धर्म का असर कैसे पड़ता? असर तो तब पड़ता जब हलक से नीचे उतारता, तूने तो केवल कुल्ला किया है। अब देखना ये है कि अभी तक धर्म करते आए हो या धर्म का कुल्ला। दूसरे को मत देखना, क्या करना? हम लोगों की ये एक बड़ी विशेषता है, तुरंत दूसरों को देखने लगते हैं। अपने को देखना है, क्या किया, धर्म या? मैं मानता हूं कोतमा वाले तो सब धर्म करने वाले, सब पिए होंगे, है ना? बस रम जाओ, अंदर अगर उतर जाए धर्म का अमृत, तो जीवन अपने आप संवरेगा, बदलेगा। यदि मैं जीवन से धर्म करता आया हूं, जब से होश संभाला तब से मैंने धर्म किया, धार्मिक आचरण की मेरी स्वाभाविक धार्मिक अभिरुचि रही है, तो उसका लक्षण भी दिखना चाहिए, प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए, तब तो मतलब है। नहीं तो तुम धर्मी कहला भले जाओ, धर्मी रहो इसकी कोई गारंटी नहीं। हमें अपने आप को धर्मी बनाना है ना? अच्छा, आपसे एक सवाल करता हूं, दूसरा थोड़ा हट के। अपने आप को धर्मी मानते हो या पापी? हाँ बोलो जोर से, धर्मी मानते हो? पक्का लॉक कर दूं? अपने आप को धर्मी मानते हो तो पाप करना छोड़ दो। अब बोलो,
अगर धर्मी मानते हो तो पाप करना छोड़ दो। अब क्या हो गया, अब क्या मानते हो, पापी क्या मानते हो बोलो। अगर पापी मानते हो तो धर्म करना शुरू कर दो, इतना ही तो करना है, और क्या करना है। धर्मी मानते हो तो पाप करना छोड़ दो, और पापी मानते हो तो धर्म करना शुरू कर दो। मुश्किल ये है, ना इधर के ना उधर के, ना पाप छोड़ पाते हैं ना धर्म कर पाते हैं। तो ये अधबीच वाली स्थिति हमें तो त्रिशंकु बना के रखेगी। उस अधबीच की स्थिति से बाहर निकले और उसके मूलभूत स्वरूप को आत्मसात करके चले तो वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा, और उसके आधार पर हम अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष कर पाएंगे। इसलिए आज से गांठ बांधे, मैं जो भी धर्म करूं मन लगा कर करूं, तत्परता से करूं, उसके मूलभूत प्रयोजन को सामने रख करके करूं। मेरी क्रिया भले थोड़ी सी हो, लेकिन जितनी भी क्रिया हो वो कोरी क्रिया ना हो, उसमें मेरे मन प्राण जुड़े रहे। कई बार तो लोग कई तरह की बात करते हैं। एक जगह निर्वाण कांड चल रहा था और एक महिला ऊंचे स्वर में निर्वाण कांड, उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा थी, मेरे कान में आवाज़ आई, दो बलभद्र मुफत में गए। हमने कहा इनकी पूजा भी मुफत में गई, बोलना था मुकद्दी में गए और बोल क्या रही है मुफत में गए। तो ये जो चीजें हैं ध्यान रखना, रूटीन की तरह धर्म मत करो, धर्म इस तरह करो कि तुम्हारे जीवन की रूटीन बदल जाए तो जीवन धन्य होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।